मैं हवा हूँ कहाँ, वतन मेरा, दश्त मेरा है, ये चमन मेरा। मैं हवा हूँ कहाँ, वतन मेरा। सुबह हुई है, अभी अभी दिन है 19 मई, और 19 मई दो विशेष वजह से मुझे याद आती है। आज मशहूर साहित्यकार रस्किन बॉन्ड सर की सालगिरह है, वो 90 बरस के हो गए, और वो मसूरी में रहते हैं, और अक्सर मेरी उनसे मुलाकात होती रही प्री कोविड डेज़ में। कोविड के बाद ज़रा वो चूज़ी हो गए, सिलेक्टिव हो गए, वो चुपचाप अपने घर में रहते हैं और इत्मीनान से जीते हैं, तो उनसे मुलाकात अक्सर होती रही पिछले बरसों में। अद्भुत साहित्यकार हैं, हिंदुस्तान के जितने बड़े से बड़े अवार्ड हो सकते हैं वो सब उनको मिल चुके, और पद्म भूषण, इतना बड़ा पुरस्कार भी उनको हासिल हुआ। मैं बहुत पहले से ही ये जो मैं भी गुनगुना रहा था, मैं हवा हूँ कहाँ, बस इसी किस्म के इंसान हैं रस्किन बॉन्ड। वो सारी दुनिया में ये हवा की तरह से सरहदों को पार करते हुए हर कॉन्टिनेंट में मेरी मुलाकात हो सकती है। बहुत पीछे मैं लौटता हूँ, जब मैं कॉलेज में पढ़ाता था तो सुबह 7:30 से 10:30 तक 3 कंसेक्यूटिव पीरियड्स में जाते थे क्लासेस, वो क्लासेस पढ़ा कर मैं 10:30 से 11:30 फ्री अपने क्लासेस। तो मैं ये करता था कि मैंने बाइक खरीदी जो कि मेरा ख्वाब होता था एज ए स्टूडेंट, मैंने बाइक उसी एज थी उस जमाने की बाइक ठक 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 करके जब भागती तो बस घर आ जाता। मैं क्या करता था कि वहाँ से अक्सर हफ्ते में कम से कम दो बार बाइक स्टार्ट की, 2.5 घंटे में। It's a pleasure to be amidst such great people who have done so much for literature. दूसरी तरफ गन हिल, वो भी हाईएस्ट पॉइंट है, तो लाल टिब्बा में मैं इसलिए चला जाता था क्योंकि वहाँ पर 35 वर्ष पहले से बाइक करता हुआ जाता हुआ, ये आप बाहर से ही जाते हैं मसूरी के अंदर से आपको लाल टिब्बा जाता है। वहाँ मैं अक्सर जाकर मैं जाता था, सुनील भाई टेक्स केयर ऑफ दिस शॉप, ही इज द ओनर एंड ही हिमसेल्फ इज अ ग्रेट लवर ऑफ बुक्स, ऑलवेज अ प्लेजर मीटिंग दीस ग्रेट पीपल ऑल अंडर द सेम लाल टिब्बा से लौट रहा था। छोटी सी सड़क होती है लाल टिब्बा से लौटते, और व्यू इतनी ही छोटी है। सो हियर सिट्स पद्म भूषण रस्किन, तो लाल टिब्बा से लौट रहा था। इट्स अ फिल्म टू ग्रेट स्टार्स जैसे मैं नीचे की तरफ उतर रहा हूं अंडर द सेम रूफ। Lots of people. This is Masuri. This is Mall Road, Masuri Cambridge shop. Very popular and very old shop. This is there. And these people, they are waiting for their turn to come. And we have already had our photograph with him.
तो मैं आराम से अच्छे बाइक पर उठ के खड़ा हो गया और उन्होंने मैं उनके तरफ निहार जब मैं उनके तरफ निहार धीरे से वो अपना वापस मुड़े और अपने सीढ़ियाँ चढ़ते हुए ऊपर चले। मैं समझ गया कि ये रास्ते नहीं चला। तो उसके कुछ बरसों के बाद मैंने फाइनली ये तय किया कि मुझे रस्किन बॉन्ड साहब से और मैं एक सुबह उनके घर कैम्ब्रिज बुक डिपो से कई सारी उनकी किताबें लेकर पहुंच गया, मतलब आ गया उनकी। और वहाँ जाकर मैंने कहा कि आपने बिहार तो जब मैं वहाँ पहुँचा तो और बहुत सारे पद्म भूषण घर में And lots of people are still waiting for their turn to come. Kamaljit Singh is so happy with himself, enjoying his coffee. Kamaljit and myself, we are celebrating 50 years of our friendship this year. 1968 we met, this is 2018. We went to Peckdorgan, we went to Lunavala, we went to Bombay, and now this is the fourth phase. And by the end of the year, some other place. Kamaljit, a great actor, a veteran of around 80 films. And Ruskin sir, great writer, a veteran of around 200 books to his credit, and some stories and films also. Blue Umbrella was there, or Sat Kumar was there. Ruskin sir is here. So such moments usually don't come in somebody's life. This is Masuri, and today is 13th October. Yes. Do I do it from here? ज़िंदगी के बारे में, education system के बारे में करते हैं। तो आखिर फिर that makes some sense. मेरे हस्ताक्षर, that makes some sense. Yes. जब मैंने उनको pen भेज दिया, great. कर रहे। तो उन्होंने pen को यूँ देखा कि मेरे साथ चार या पांच pen मैंने भेज किए थे, वो यूँ देखने लगे, कहते मैंने कहा हाँ जी, pen is mightier than sword sir, तो ये आपके लिए। तो उन्होंने उसी वक्त मेरे से कहा ओके, जबकि तब ये इतना ज़माना नहीं था कंप्यूटर का 30 साल पहले, तो उन्होंने कहा आई विल राइट माई नेक्स्ट स्टोरी विद दिस पेन, ओके। तो ये मेरी पहली मुलाकात थी उनसे। उसके बाद तो फिर जब मेरा मन करता था कभी साल दो साल तीन साल में मैं उनके पास चलता, तो वो मेरा नाम तो नहीं जानते थे, वो मुझे हमेशा एड्रेस करते द प्रोफेसर हु गिफ्ट्स मी पेन ऑलवेज। तो मेरे मित्र कमल जी ने कहा कि चलो भाई मसूरी चलते हैं, ये 5 साल पहले की बात होगी लगभग। तो हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी हम लोग मसूरी चले जाया करते हैं, 4-5 दिन वहाँ बिताते हैं और फिर उसके बाद हम लोग आराम से अपने अपने अशियाने पे निकल जाते हैं। वो बम्बई चले जाते हैं, मैं अपने शहर आ जाता हूँ, और अब तो मैं ज़्यादातर बेंगलोर रहता हूँ, मैं बेंगलोर आ जाता हूँ। तो एक बात मुझे यहाँ बेंगलोर में मेरे कुछ परिचितों ने कही थी, अरे सर आप मिलते हैं उनसे रस्किन सर से, तो हमारी बेटी जो है या हमारा बेटा जो है उसके लिए नाम से आप ऑटोग्राफ करा के ला देना। तो जब मैं अगली बार गया उनके पास तो बुक शॉप पर मुलाकात उनसे हुई, तो मैंने लिस्ट अपने मन में बना रखी थी कि ये कौन कौन से लोग हैं और कितने लोग हैं जिन्हें मैंने बाय नेम सिग्नेचर करा के ला के देने हैं। तो मैंने उनकी संख्या गिन के देखी, वो 25 थी, 25 के करीब 25 किताबें ली। और दरअसल अभी ये कुछ बरस पहले रस्किन साहब थोड़ा एजिंग शुरू हो ही गई थी उनकी,
तो उन्होंने क्या किया कि वो बाय नेम नहीं करते थे, वो सिर्फ बेस्ट विशेस करके नीचे साइन कर देते थे। तो मैंने कहा सर मैं तो बाय नेम लूँगा, कहते हाँ ठीक है ओके। तो मैंने बाय नेम 25 किताबों पे सिग्नेचर कराए और यहाँ जिन जिन लोगों को मेरे से ये उम्मीद थी कि मैं ला के दूँगा, मैंने उनकी उम्मीद को पूरा किया। वो किताबें आज भी उनमें से कई लोगों के पास मौजूद हैं। जब मेरी मुलाकात, अरे आपने हमें रस्किन सर का होती है, तो हमारी जो ग्रैंड डॉटर छोटी सी हमारी मेरे भांजे की बिटिया है, वो उसने मुझे अपनी इंग्लिश की टीचर का नाम बता रखा था, तो मैंने उसके भी करा के लगा ला दिया। तो उस हमारी बच्ची ने जब अपनी टीचर को जाकर के भेंट किया, मैडम ये आपके लिए रस्किन सर का ऑटोग्राफ, वो तो खुश हो गई और हमारी बच्ची की जो है वो TRP आई हो गई। तो ये बड़ा एक अच्छा तरीका था। फिर अभी कुछ बरस पहले ही कंवल जीत कहने लगे कि भाई मुझे रस्किन सर से मिलना है। तो हम लोग वहाँ पर मसूरी में थे और एक दिन हम उनसे मिलने गए। उस वक्त वो शॉप पे थे, बुक शॉप पे। वो अक्सर कभी कभी वहाँ पे सैटरडे में या संडे में, सैटरडे में शाम को बैठ जाते थे रस्किन सर, क्योंकि लोग किताबें खरीदते थे, वो उनका ऑटोग्राफ भी कर देते थे। तो कंवल जीत और हम वहाँ पहुँचे। मज़ा देखने का ये था कि मैंने एक वीडियो बनाना शुरू किया और वो वीडियो मैं पोस्ट कर रहा हूँ अपने दोस्तों के लिए। तो उस वीडियो में कमाल ये था कि रस्किन बॉन्ड साहब के हस्ताक्षर लेने के लिए तो कमलजीत बेताब है, और कमलजीत के हस्ताक्षर लेने के लिए वहाँ बड़ी खूबसूरत लड़कियाँ पीछे की तरफ बाहर से आई हुई, क्योंकि सीज़न का टाइम था वो। तो उसमें वो कमलजीत को देख रही, निहार रही और उनके ऑटोग्राफ ले रही। तो ये सीन बड़ा कमाल था, लेकिन मुझे बड़ी खुशी हुई कि मैंने वो वीडियो बना लिया। ये वीडियो जो मैं बनाता रहता हूँ, इसमें लोग कहते हैं भाई इसका आइडिया क्या है, देखते तो लोग हैं नहीं ज़्यादा इनको, कई लोग मुझे मेरे मित्र कहते हैं। मैंने कहा उससे क्या फ़र्क पड़ता है, ना देखें, मैं तो देखता हूँ। और मैं अपने उन लम्हों को एक जगह इकट्ठा करता जा, एक्यूमुलेट करता जा रहा हूँ। वो लम्हे जो वीडियो के ज़रिए मेरे पास सुरक्षित हैं, यूट्यूब के ज़रिए मेरे पुराने स्टूडेंट से मेरी मुलाकात हो गई, 700 के करीब मेरे वीडियो घूम रहे हैं घर पे बिग स्क्रीन पे, 62 इंचेस पे। जब मैं देखता हूँ इन वीडियोज़ को, मैं खुद को ही तसल्ली देता हूँ और खुशी करता हूँ, अरे वाह आई हैव डन ए गुड जॉब। मेरी बात मान लीजिए आप लोग, दुनिया से तारीफ़ की उम्मीद ना करें, पीपल आर सो बिजी विद देमसेल्व्स। जो आपका काम है, जो आप कर सकते हैं उसको कीजिए, और उस काम से अगर आपको खुशी मिल रही है तो खुश हो जाइए। तो यही मैं कर रहा हूँ। तो मुझे वो वीडियो मैंने बना दिया, मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। और अभी पिछले दिनों मित्र कमलजीत कह रहे थे भाई हाँ ये सुनाएं कि उनकी सालगिरह है, जैसे आज 19 मई को वो 90 बरस के हो रहे हैं रस्किन सर। तो वो वीडियो मैंने उनको फिर भेजा, चूँकि ओवर द ईयर्स चीज़ें गुम होने शुरू हो जाती हैं। मैं सर अब यूट्यूब पर हूँ भी इसलिए कि वहाँ मेरी जो ये वीडियोस हैं सेफ हो जाते हैं, 700 वीडियो मेरे सेव हो गए। और जब मैं कभी कन्याकुमारी, ऋषिकेश, शिमला, मनाली ये वीडियोस मैंने बनाए और मैं बैठ के जब देखता हूँ, तो ये जो चारों तरफ मचा हुआ कोलाहल है, धूम धड़ाका है, हत्याएं हैं, युद्ध हैं, नफ़रतें हैं, कितनी नफ़रतों की फसलें चारों तरफ बोई जा रही हैं, इन सब से अलग मैं अपनी छोटी नन्ही सी साइकिल को निकाल कर बाहर ले जाता हूँ और एक जंगल में इत्मीनान से बैठ जाता हूँ और याद करता हूँ उन लम्हों को जो उन वीडियोस में कैप्चर किए हुए होते हैं मैंने। तो ये है कहानी आज की। लेकिन रस्किन सर से मिला मैं लगभग 3 साल पहले, मैं उनसे मिला था और फिर मैंने कुछ किताबों पे सिग्नेचर करा लेते थे। वो ही इज़ वन ऑफ इट्स काइंड। विशाल भारद्वाज उनके बड़े ज़बरदस्त प्रोड्यूसर डायरेक्टर, बड़े उनके, उनकी एक स्टोरी 7 कुछ हिस्से के साथ खून कुछ माफ कुछ इस तरह की थी फिल्म, उसमें एक सीन में वो रस्किन बॉन्ड सर को ले आए, वो उनको ले आया उसमें किया उन्होंने। तो पहली जो उनकी स्टोरी पे बनी थी वो शशि कपूर ने बनाई थी, जुनू फिल्म फ्लाइट ऑफ पिजन्स। तो इस तरह से वो एक बहुत ही खामोश तबीयत, चुपचाप बैठे हल्की से मुस्कुराते रहते हैं मतलब वो देखने में ऐसे मतलब गोल मटोल से हैं और मुस्कुराते हैं चश्मे के अंदर से। मुझे तो ऐसे कई मौके मिले हैं उनसे मिलने के, लेकिन हम उनकी सेहत सलामती के लिए दुआ करते हैं। अब वो थोड़ा सा रिजर्व्ड हो गए हैं, मतलब ज़्यादा लोगों से मिलते नहीं हैं, क्योंकि वो जानते हैं बढ़ती उम्र के साथ में ज़रा और ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। तो यही प्रश्न कि उन्होंने ब्याह क्यों नहीं किया, कई एक बार उन्होंने जिक्र भी कर दिया, भाई होना था, अब नहीं हुआ तो मैं क्या करूँ इसके अंदर। वही जो रतन टाटा ने एक इंटरव्यू में कहा,
इतने बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट। भाई तीन बार मेरा ब्याह होने वाला था, लेकिन न जाने क्या हुआ कि ब्याह हुआ नहीं। और भी कई सारे लोग होते हैं जिनका ब्याह नहीं होता, या यूं कहिए कि उन्होंने ब्याह नहीं किया। ये एक हल्की सी लाइन इसके बीच में रहती है, हुआ और किया। रस्किन साहब बड़े कमाल के इंसान हैं, एक धरोहर हैं वो हिंदुस्तान के लिए। सारा जीवन उन्होंने यहीं बिता, प्योर ब्रिटिशर हैं वो, प्योर। लेकिन छोटे छोटे टॉपिक्स जो उनकी नेचर के ऊपर जो पकड़ है, बच्चे अगर उनकी सचमुच पुस्तकों को पढ़ें, उनकी स्टोरीज़ को पढ़ें, तो एक अलग दुनिया में जा सकते हैं। वो राइटर ही अपने ढंग, मेरा ख्याल है पीछे भी साहित्य एकेडमी अवार्ड भी उनको मिला है, तो हर अवार्ड जो बड़ा बड़ा हो सकता था वो मिला। और कोई लॉबिंग का तो सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि वो इंसान ही इस किस्म के है कि वो इन बातों में यकीन नहीं करते। मुझे खुशी है कि मैं उनसे कई बार मिलता रहा हूँ, रस्किन बॉन्ड सर से। 90 साल की उम्र काफ़ी उम्र हो जाती है, और हम उनके लिए दुआ करते हैं कि वो शताब्दी तक तो पहुँचें, 100 बरस तो अपने सेहत के साथ पूरे करें। तो ये कहानी जो है अपने रस्किन बॉन्ड साहब की, मैं इस तरीके से याद करता हूँ। वो बड़े कमाल के इंसान हैं, मतलब ऐसा इंसान तो धरती पे रहना ही चाहिए, क्योंकि इसलिए रहना चाहिए, इस दुनिया में इस तरह के संवेदनशील इंसानों की संख्या घटती जा रही है। बस हैं वो, हैं तो हैं, इसी तरह से जीवन जिया है उन्होंने अपना, और इतना खूबसूरत अंदाज में लिखते हैं वो। मुझे तो कभी कभी वो जो मैं लिटरेचर पढ़ाता था जब, थॉमस हार्डी, तो वो थॉमस हार्डी जो थे वो नेचर के स्पेशलिस्ट थे, बड़े बड़े पैराग्राफ्स वो नेचर पे लिख देते थे। तो ऐसा ही कुछ हमें दिखाई देता है रस्किन बॉन्ड साहब में। तो आज की सहर मैं तो उनके लिए भाई बहुत दुआ करता हूँ। और जिन लोगों से आप मिल लेते हैं, जिनसे आप बातचीत कर चुके होते हैं, जो आपसे कई सारे प्रश्न, एक बार मेरे से उन्होंने अच्छी बात की, लगभग आधा घंटे हम लोग बातचीत करते रहे। देखिए वो बात इंग्लिश में ही करते हैं, उनको मैंने ये भी, जैसे हमारे देवानंद साहब होते थे तो देवानंद साहब से भी मेरी बातचीत होती थी, तो वो हमेशा इंग्लिश में ही बात करते थे देवानंद, कभी मैंने उनको हिंदी में बात करते नहीं सुना। तो और दे आर मोर कम्फर्टेबल दैट वे, कोई बात नहीं। तो अच्छी आधे घंटे की हमारी जब इंग्लिश में बातचीत हो गई, तो मुझे वो कहने लगे कि यूर स्कूलिंग मस्ट बी फ्रॉम सब गुड पब्लिक स्कूल, उन्होंने मुझे से कहा। आई जस्ट स्माइल, कि नहीं सर, आई बिलोंग टू टाटपट्टी स्कूल्स, वो जो होते थे ना खटपट से स्कूल हमारे, तो हमारी तालीम तो सर वहाँ पर हुई है, उन जगहों से, टाटपट्टी के स्कूलों से निकल कर बुज़ुर्गों के आशीर्वाद से हम चलने फिरने लायक। तो उन्होंने मुझे फिर ये कहा, यू स्पीक गुड इंग्लिश, करेक्ट इंग्लिश। फिर मैंने उन्हें बताया कि मैंने पहले एम इंग्लिश ही किया था, और मैं इंग्लिश पढ़ाता रहता, बहुत देर तक पढ़ाता रहा, और इस तरह से उसमें मुझे ख़ासतौर से रोमांटिक पोइट्री में बड़ा इंटरेस्ट है। फिर हम रोमांटिक पोइट्री पे कुछ बातें करते रहे, शेली भी आ गए, कीट्स भी आ गए, वर्ड्सवर्थ भी आ गए। मैं आपको सही बताऊँ, घोर कलयुग का दौर है ये, इस दुनिया में सबसे मुश्किल काम है दिल का लगाना। अगर आपको दिल लगाना आ गया तो फिर आप जी गए। मुझे तो खुशी है कि मुझे ज़िंदगी से दिल लगाना आ गया। हर अच्छी चीज़ जो चारों तरफ दिखाई दे रही है, बस उसका ज़िक्र करता हूँ, उसके बारे में बात करता हूँ, और जो स्याह है जिसमें सौंदर्य इस रूप में नहीं है कि वहाँ नफ़रत है ना, इसी खूबसूरत सी दुनिया के बीच में एक स्याह दुनिया है जहाँ अत्याचार है, भ्रष्टाचार है, दुराचार है। तो उस सबसे अलग एक दुनिया बनानी पड़ती है, तभी हम जी सकते हैं, और तो कोई रास्ता है नहीं। वो दुनिया मैंने अपने ख्वाबों की दुनिया बना ली है। ख्वाबों की दुनिया, ख्यालों की दुनिया, दूर तो थी अब दूर नहीं। वो ख्वाबों और ख्यालों की दुनिया बनाना कौन सा आसान काम है, लेकिन अगर जज्बों में सदाकत है तो वो बन भी जाती है। जैसे मेरी दुनिया एक बन गई अलग से, और इसी तरह से मैं हर मौसम में जीने का आदी हूँ।
कितनी गर्मी बंगलौर में पड़ती रही, पीछे आने वाले दिनों में अच्छी बारिश होगी। सुन रहे हैं कि ये बारिश अब लगभग अलग अलग जगहों पर रोज़ ही होती है। बंगलौर शहर इतना बड़ा है कि अगर बनारगट्टा में हो रही है या कोरमंगला में हो रही है तो इधर है बाल वालों को क्या पता कि वहाँ कहाँ बारिश होगी। इतना बड़ा शहर ही हो गया है, लेकिन उम्मीद रहती है कि आने वाले दिनों में बेंगलौर में खूब बारिश होगी। बड़ा सुहाना होता है जून से लेकर के सितंबर तक का जो मानसून का समय है बेंगलौर में। हर अच्छी चीज़ को अपने अंदर उतारते चले जाइए और परगेट करते जाइए हर उस नेगेटिविटी को जो ओवर द ईयर्स हम में आती चली गई। देवता तो हम हैं नहीं, हमें मालूम भी नहीं कि देवता होते कैसे हैं, लेकिन जो भी अच्छा है वो लीजिए और जो लगता है कि नेगेटिव उसे छोड़ दीजिए। तो आज रस्किन सर के बारे में सोचा, प्रकृति मुझे याद आ गई पूरी, किस तरह से आज भी वो बैठे हुए वहाँ पर लिखते हैं। तमीदी दौर में शिमला में रहते थे, अब मसूरी में रहते हैं। म्यूज़िक एंड नेचर, दुआएं आप सबके लिए। दिन बड़ा खूबसूरत शुरू हुआ है। So the rush is here because two celebrities, two big names here, and Raskin sir is there, Kamalji Singh is there, and lots of people, young people are here. So just here you have to place the camera on me for a few minutes. Because I'll be speaking something in Spanish for you. Thank you, sir. Here I come. Yes, sir. Raskin sir, and the crowd is there only because lots of people are interested in having his autograph, and the other person standing there, a couple of things, a great friend of Raskin sir. The nation is there. Coffee, coffee. He is asked for coffee. You see the crowd here in Missouri. It's a pleasure to be here. Golden Jubilee, many thanks. Thank you. Thank you. Coffee manga. It's a pleasure to be, I mean, such great people who have done so much for literature. It's such a pleasure meeting you all about it. Oh, thank you. Thank you. My name is Harold Schatz. I worked at Norfolk at the, sorry, I worked at the... This is the magic of Ruskin's books. So many books he has written. This is the magic. That's a great moment for all of us because so much we have been reading about him. And his great story, Blue Umbrella, lots of kids have been reading that. It's always a pleasure being here. I'm going to buy this. See the crowd here? And passion for books and passion for Ruskin sir, the books, lots of books here. And Sunil Bhai takes care of this shop. He's the owner and he himself is a great lover of books. Always a pleasure meeting these great people all under the same roof. Love it. Great moment. So here's this Padam Bhushan Ruskin sir. There's Dan Kamalji Singh, a veteran of around 80 films, two great stars, and under the same roof. Lots of people. This is Mussoorie. This is Mall Road, Mussoorie, Cambridge shop. Very popular and very old shop. This is there. And these people, they are waiting for their turn to come. And we have already had our photograph with him. But again, close look from there would be
for from there. You can take from there. Just for the that's the so here's the thing. The late unit man. You stand here and it's a pleasure. It's a pleasure. Not to come to you. I've been talking for 2 years. And there's a little girl who badly wants to meet you, but she's arriving tomorrow. Can she have 2 minutes of your time? Tomorrow I've got the whole gang of from Landmark. Landmark. Can I have been coming? Maybe the after. Yeah, it's a pleasure to be here. It's a treasure, in fact. One of the finest writers ever, Anglo-Indian writer, Ruskin's. And today we are meeting him here. He is there. Kamalji Singh is there. Always a great fan. Always a great fan. Not at all. Yes. This is there. This is there. Great moment for us. Great moment for us. We had been waiting for this right from early morning. Kuku bhai, this is for you. Chai coffee. Thank you. It's a pleasure, sir. How's it going? Sir will have it, no? Very good. Sir will have sir had it. Okay, thank you. So here comes the coffee. Coffee with Ruskin, sir, and Kamalji Singh. It's a great moment for this shop, the people around. And we have been visiting this place for the last 50 years. Yes. 50 years. See the happiness these kids are having. See the happiness. He is iconic. He is legendary. He is Padma Bhushan Ruskin Bond Sahar. Yes, yes. A legend in his lifetime. Certainly a legend in his lifetime. And lots of people are still waiting for their turn to come. Kamalji Singh is so happy with himself, enjoying his coffee. Kamaljit and myself, we are celebrating 50 years of our friendship this year. 1968 we met. This is 2018. We went to Bagdadgan, we went to Lunavala, we went to Bombay, and now this is the fourth phase, and by the end of the year, some other place. So, Kamaljit, a great actor, a veteran of around 80 films, and Ruskin sir, great writer, a veteran of around 200 books, to his credit, and some stories and films also. Blue Umbrella was there, or Saath Khun Maaf was there. Ruskin sir is here. So such moments usually don't come in somebody's life. This is Masoori and today is 13th October. Yes. Do I do it from here? That makes some sense. That makes some sense, yes. Great. It's a pleasure. It's a pleasure.